तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं कार फोर्ट सेल सिमुलेटर। तो गाइस यार, आज के इस एपिसोड के अंदर ना हम लोग अपने शोरूम को भाई तोड़ के न्यू बनाने वाले हैं, क्योंकि गाइस अभी रिसेंटली ना इस गेम के अंदर भाई न्यू अपडेट आई है, जिसकी वजह से गेम ना काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। तो गाइस यार, जैसा थंबनेल पे आप लोग शोरूम देख रहे हो ना, एकदम वैसे ही बनाने वाले हम लोग इस एपिसोड के अंदर। तो गाइस यार, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला, चलते सीधा गेम के अंदर। तो यहाँ पे गाइस हम लोग आ चुके हैं सीधा गेम के अंदर। और गाइस ये देखो भाई, जो हमारा पुराना शोरूम था ना, वो यहाँ से हट चुका है और गाइस उसकी जगह पे भाई ये न्यू बन चुका है यहाँ पे। ये देखने में तो भाई सही लग रहा है, बट यार ये शोरूम ना गाइस बहुत ही ज्यादा छोटा है। अगर इसके अंदर भाई मैं गाड़ियां खड़ी करके बेचूंगा ना, तो एक बार में यार दो या तीन से ज्यादा गाड़ियां भाई खड़ी नहीं हो पाएंगी इसके अंदर। तो गाइस यार, हमारे पास पैसे ना बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो यार मैं सोच रहा हूँ ना गाइस बहुत ज्यादा गाड़ियां खरीद के बेचा करूँ अब, क्योंकि भाई एक एक गाड़ी बेचेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। हम लोग ना भाई मल्टीपल गाड़ियां खरीद के यहाँ पे बेचने वाले हैं, तो उसके लिए भाई सबसे जरूरी है कि हमारा शोरूम बहुत बड़ा हो। तो हम लोग चलते हैं गाइस सीधा अंदर, यहाँ से खोलते हैं गेट। ये देखो भाई, वैसे शोरूम ना मस्त है एकदम ये। तो यहाँ पे गाइस सोफा ऑफा लगा हुआ है, तो हम लोग चलते हैं सीधा कंप्यूटर के ऊपर। और ये देखो भाई, यहाँ पे ना ऑफिस एडिट मोड आया न्यू, तो हम लोग चलते हैं सीधा इसके अंदर। तो गाइस यार ये देखो, यहाँ पे साइड में ना सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे ये देखो वॉल, विंडो, डोर, तो हम लोग विंडो के अंदर जाते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे ना बहुत सारी विंडोज हैं और यहाँ से हम लोग डोर वगैरह भी लगा सकते हैं, बट उससे पहले ना गाइस इसको हमें तोड़ना होगा। तो देखते हैं यार कहाँ से तोड़ेंगे इसको हम लोग। वेट, यहाँ पे भाई लिखा हुआ है मूव डिलीट, तो शायद यहाँ से ना हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। यहाँ पे साइड में लिखा आ रहा है भाई कंट्रोल दबा के आप लोग तोड़ सकते हैं इसको। तो एक काम करते हैं गाइस, हम लोग ना पहले इसको तोड़ देते हैं जल्दी से। वैसे भाई ये मस्त है देखने में, मतलब मस्त लग रहा है, बट यार हम लोग ना इससे मस्त बनाने वाले हैं एकदम थंबनेल के जैसा। देखते जाओ भाई आप लोग, इसको हम लोग तोड़ देते हैं जल्दी जल्दी। तो गाइस यार, हमें ना एक काम करना होगा भाई, हमें शायद गाड़ियों को ना साइड में खड़ा करना होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको जल्दी जल्दी से डिस्ट्रॉय करते हैं भाई पहले। ये देखो भाई, यहाँ पे सब कुछ टूट चुका है, बट ये साइन शायद ये नहीं टूटेगा और कंप्यूटर नहीं टूटेगा हमारा। ये देखो ये नहीं टूट रहा। तो एक काम करते हैं यार, हम लोग भाई यहाँ से ये तोड़ लेते हैं फर्श। तो यहाँ से भाई गेट को हटा देते हैं हम लोग। ये देखो भाई कैसा लग रहा है हमारा शोरूम, अजीब सा। वेट यार भाई, कचरा ही पड़ा हुआ इसके अंदर। तो गाइस यार, सबसे पहले ना कचरे को तो हम लोग बाद में उठा लेंगे, बट गाइस उससे पहले ना हमें जगह खरीदनी होगी। कहने का मतलब भाई जगह ना बढ़ानी होगी, अगर इसके अंदर बनाएंगे तो यार फिर वही बनेगा भाई छोटा सा। तो एक काम करते हैं, हम लोग चाहते हैं भाई कहां से, ये देखो यहां पे लिखा हुआ ऑफिस अपग्रेड। ओ वेट भाई, अगर हम लोग लेवल 2 का करेंगे तो भाई $50,000 लगने वाले हमारे, सॉरी $5,00,000 लगने वाले हमारे। और भाई अगर लेवल 3 का करेंगे हम लोग, मतलब ज्यादा एरिया खरीदेंगे इतना बड़ा, तो यहां पे हमारे $10,00,000 खर्च होने वाले हैं। कहने का मतलब टोटल 1,000,000। तो एक काम करते हैं भाई, हमारे पास $32,00,000 है, तो खरीद लेते हैं भाई यहां से, करते हैं अपग्रेड। यहां पे भाई हमारा एरिया ना अपग्रेड हो चुका है, बट वेट यार इसके अंदर भाई गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो गाइस हम लोग एक काम करते हैं भाई, इन गाड़ियों को ना साइड में कर देते हैं। ये देखो गाइस, यहाँ पे हमारी फरारी, जो भाई हम लोगों ने लास्ट टाइम ड्रैग रेस के अंदर जीती थी। ओ सॉरी भाई, ये वाली जीती थी हम लोगों ने ड्रैग रेस के अंदर। एक हम लोगों ने भाई फरारी भी जीती थी, बट उसको ना मैंने बेच दिया भाई, तभी हमारे पास इतने पैसे हुए हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग अपनी गाड़ियों को ना भाई सामने खड़ा कर देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग शोरूम बनाएंगे तो भाई ये बीच में आएंगी। तो इसको भी हम लोग खड़ा करते हैं यहाँ पे, और भाई अपनी फरारी लेके आते हैं, सॉरी लैम्बो लेके आते हैं। भाई ये देखो यार, गंदी हो रखी है हमारी लैम्बो, तो धुलवाएंगे भाई इसको हम लोग। तो जल्दी से भाई खड़ा करते हैं हम लोग ले जाके सामने, यहाँ पे खड़ी कर देते हैं भाई इसको। वेट, इसको ना मैं थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे खड़ी करता हूँ और इंजन करता हूँ बंद और चलते हैं बाहर। तो गाइस यार, हमारे एक मंजर भाई का कमेंट आया हुआ था कि भाई आप अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट पे ना मेरा नाम लिखवा दो। तो लिखवाऊंगा भाई आपका नाम गेम के एंड में लिखवाऊंगा, पहले ना शोरूम बनाने वाला हूँ मैं, क्योंकि भाई खाली खाली सा ना एकदम बेकार लग रहा है। ये देखो भाई हमारा शोरूम यार गैप हो चुका है, तो यार देखने में थोड़ा सही नहीं लग रहा। तो यहाँ पे गाइस हम लोग खड़ी करते हैं अपनी ODRR और यहाँ से इंजन करते हैं बंद और निकलते हैं बाहर। अगर गाइस इंजन नहीं बंद करेंगे ना, तो भाई ये हमारा कान खा जाने वाली है। तो यहाँ से गाइस हम लोग सफाई कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ से हम लोग उठाते हैं भाई इन कैन को भी जल्दी से, फेंकते हैं डस्टबिन के अंदर, इसको भी उठा लेते हैं। वेट यार ये क्या भाई, ओ वेट भाई, यहाँ पे ना न्यू लोगो लगाया इन लोगों ने, यहाँ से शायद हम लोग ऑफिस को ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। तो चलो भाई ये सही है यहाँ से, क्योंकि पहले ना भाई हम लोग अपने ऑफिस को गेट खोल के करते थे ओपन क्लोज, अब हम लोग यहीं से कर पाएंगे, तो ये चीज भाई मुझे सही लगी। तो चलो भाई हम लोगों ने यहाँ से साफ सफाई कर ली, तो हम लोग गाइस चलते सीधा ऑफिस के अंदर एडिट मोड के अंदर और गाइस बना लेते हैं अपना ऑफिस जल्दी से। तो यार यहाँ पे जाते हैं हम लोग वॉल के अंदर। वेट यार ये कौन सी वॉल है भाई, यहाँ पे यार ये ना ईट वाली वॉल है भाई। वेट यार ये लग नहीं रही भाई, ये क्या, ये देखो यहाँ पे ये रेड रेड हो रखी है। ओ वेट भाई यहाँ पे ना ये देखो, यहाँ पे नीचे टाइल दी हुई है, तो शायद ना पहले गाइस टाइल लगानी होगी हमें। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, ये देखो भाई चारों ओर लगाते हैं भाई टाइलें। और यार जल्दी से हम लोग ना टाइल लगाने का काम खत्म कर लेते हैं, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा काम आज हमें। यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, इस साइड भी लगाते हैं जल्दी से, इस साइड भी चारों ओर एरिया में, यहाँ एंड तक लगा लेता हूँ भाई मैं। तो वेट यार यहाँ से ना हमें गाइस तोड़ना होगा इसको। ये देखो यार ये टाइल ना गलत लगी, अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पे बीच में ना थोड़ा सा गैप रह जाएगा। तो देखते हैं भाई कैसे इसको हम लोग सही करेंगे, इसको ना शायद हमें डिस्ट्रॉय करना होगा, तो कोई बात नहीं कर लेंगे हम लोग डिस्ट्रॉय इसको। पहले ना हम लोग इस साइड लगा लेते हैं, इस लाइन में यहाँ पे लगाते हैं हम लोग जल्दी से इस एरिया में। ये देखो भाई यहाँ पे हमारा टाइल लगाने का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। वेट यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे भी लगा देते हैं और यहाँ पे भी लगाते हैं हम लोग, और यहाँ से ना इसको डिलीट करना होगा हमें। तो गाइस जाते हैं हम लोग, ये देखो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन में, और यहाँ से करते हैं डिलीट। तो गाइस जाते हैं हम लोग फिर से वॉल के अंदर और यहाँ पे ना टाइल लगा लेते हैं जल्दी से। ये देखो भाई, तो गाइस यार ये देखो हमारा टाइल लगाने का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो एक काम करते हैं गाइस, हम लोग चलते सीधा वॉल के अंदर और वॉल लगा लेते हैं भाई। तो यहाँ पे गाइस वॉल को ना मैं थोड़ी सी जगह भाई छोड़ के लगाने वाला हूँ, ताकि भाई देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो लगाते हैं गाइस हम लोग यहाँ से वॉल, यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं। वेट यार भाई
ये कैसी बोल यार यार, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे मतलब बाहर से, तो यार हमारी गाड़ियाँ अंदर खड़ी दिखाई नहीं देंगी इसके अंदर से। तो वेट यार, इसको नहीं लगा रहा भाई, मैं यहाँ से ना करता हूँ डिलीट इसको, ये नहीं लगा रहा भाई। अगर मैं इसको लगा दूंगा ना तो भाई पूरे शोरूम का जुलूस निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जाते हैं सीधा विंडो के अंदर। ये देखो भाई, यहाँ पे ना मस्त मस्त विंडो हैं। तो जो ये विंडो है ना गाइस, इसको हम लोग एज ए वॉल यूज कर सकते हैं। ये सही लग रही है भाई मुझे। तो एक काम करते हैं यार, यहाँ पे लगाते हैं इसको, लगा के देखते हैं कैसी लग रही है। ये सही है भाई, जो हमारी गाड़ियां अंदर खड़ी होंगी ना भाई, इसके अंदर से आर पार दिखाई देंगी। तो चलो सही है भाई, हम एक काम करते हैं, यही लगा लेते हैं चारों ओर। यहाँ पे लगाते हैं, इस साइड लगाते हैं, और इसको भाई चारों ओर से ना कवर कर लेते हैं। वेट यार, यहाँ पे गलत लग रही हैं। तो कोई बात नहीं गाइस, जो गलत लगेगी ना उसको हम लोग बाद में डिलीट कर लेंगे। ये देखो भाई, यहाँ पे ना टाई लगाने का काम कंप्लीट हो चुका है और चारों ओर से बॉल भी लग चुकी है। तो गाइस एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से गेट के लिए जगह छोड़ देते हैं यहाँ पे। ये देखो गाइस, इतना बड़ा हम लोग गेट रखने वाले हैं। तो गाइस चलते हैं हम लोग वापस और जाकर ना जल्दी से सो के आते हैं, और फिर आते हैं भाई आके बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जल्दी से मैं जाता हूँ भाग के भाई अपने कंटेनर के अंदर, और भाई सो के आता हूँ। तो यहाँ पे गाइस सुबह हो चुकी है, चलते हैं हम लोग सीधा अपने शोरूम में। वेट यार, यहाँ पे गाइस आ रहा है यू हैव अनपेड बिल। तो यार हमारे बिल पेंडिंग है, तो चल के हम लोग गाइस पे कर देते हैं, क्योंकि यार मैंने ना बिल काफी टाइम से पे नहीं किया, तो बहुत ही ज्यादा बिल इकट्ठा हुआ पड़ा होगा। तो चलो चल के देखते हैं। पहले ना हम लोग यहाँ से भाई कचड़े को उठा के डस्टबिन के अंदर फेंकते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे ना कैन की बोतलें फेंकी हुई हैं किसी ने, तो फेंकते हैं इसको भी हम लोग डस्टबिन के अंदर। तो इसको भी उठाते हैं और उठा के हम लोग जल्दी से फेंकते हैं डस्टबिन के अंदर, और चलते हैं हम लोग सीधा अपने कंप्यूटर पे, और यहाँ से खोलते हैं भाई हम लोग बिल, देखते हैं भाई बिल कितना आया हुआ है। तो यार ज्यादा बिल नहीं है भाई, यहाँ से हम लोग पे कर देते हैं। नाइस, तो हम लोग चलते हैं वापस। मुझे लगा भाई लाख वाख बिल होगा, बट यार ये क्या, यहाँ पे 200 रुपए बिल आया है। तो शायद यार हम लोगों ने गाड़ियां वाड़ी नहीं खरीदी ना तभी। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं फिर से ऑफिस एडिट मोड में, और यहाँ पे यार इसके ऊपर ना आज हम लोग छत लगाने वाले हैं, और ऊपर का फ्लोर भी हो सके तो बना लेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग जाते हैं वॉल के अंदर, और ये देखो गाइस शायद ना ये छत है। तो यहाँ से हम लोग लगा के देखते हैं। ये देखो यहाँ पे ये छत लग रही है, ये छत ही लग रही है ना, कहीं नीचे तो नहीं लग रही। वेट, छत ही लग रही है। तो लगा देते हैं गाइस, यहाँ पे हम लोग टाइलें काफी सारी एंड तक लगाते हैं हम लोग। ये देखो भाई कितनी स्पीड से काम हो रहा है, यहाँ पे बाहर लगी एक, तो कोई बात नहीं उसको हम लोग डिलीट कर लेंगे। यहाँ पे भी लगा लेते हैं हम लोग, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी। नाइस, यहाँ पे ये देखो यार टाइल लगाने का काम कंप्लीट हो चुका है, बट यार यहाँ पे ना छज्जा सा बन चुका आगे। तो यार ये देखने में ना थोड़ा बेकार सा लग रहा है, तो इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। वेट, पहले ना हम लोग जाते हैं इसके अंदर, और यहाँ से करते हैं इसको डिलीट। तो यहाँ से हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखो यार अब सही लग रहा है भाई थोड़ा सा। तो एक काम करते हैं यार, ऊपर का फ्लोर बनाते हैं। बट वेट यार, यहाँ पे मैंने सीढ़ियां बड़ी तो लगाई नहीं। तो एक काम करते हैं हम लोग, सीढ़ियां लगाने के लिए ना यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं। एक काम करते हैं हम लोग ना यहाँ से डिलीट करते हैं इस एरिया को, यहाँ से इसको भी डिलीट कर लेते हैं, और थोड़ा सा यार हम लोग कर ही लेते हैं भाई, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, हम लोग ना बाद में लगा लेंगे भाई। और ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी लगेगी। तो यार एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से इसको भी डिलीट कर लेते हैं थोड़ा सा एरिया, यहाँ पे हम लोग बाद में लगा लेंगे टाइलें। यहाँ पे थोड़ा पीछे तक कर लेते हैं, और यहाँ से भी हटा देता हूँ यार, अगर साइड में लगेगी तो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ से हम लोग जाते हैं सीधा स्पॉट के अंदर। ये देखो स्पॉट, ये देखो भाई यहाँ पे सीढ़ियां हैं। तो सीढ़ियां 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 कहाँ से लगाएंगे हम लोग सीढ़ियां? वेट, देखना होगा यार इसका फेस, मैं सोच रहा हूँ ना, ये देखो यहाँ पे फेस सही रहेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको लगा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं छत। ये देखो यहाँ पे जाते हैं हम लोग छत के अंदर, और ये लगाते हैं छत। ये देखो भाई यहाँ पे हम लोग सीधा के ऊपर चढ़ जाएंगे, और यहाँ से भी हम लोग कवर कर देते हैं। तो सही है भाई, ये देखो यहाँ पे सीढ़ियां लग चुकी है हमारी। तो चढ़ के हम लोग देखेंगे, बट हम लोग उससे पहले ना लिफ्ट लगा देते हैं। ये देखो ये रही भाई लिफ्ट, शायद ये लिफ्ट ही है ना। वेट, लगा के देखना होगा हमें। तो इसको हम लोग लगा के देखते हैं यहाँ पे। यार ये क्या, ये तो बाहर लग रही है। वेट यार, ये गलत लग रही है भाई। तो मेरे हिसाब से ना हमें शायद इस साइड भी तोड़ना होगा। तो एक काम करते हैं यार, यहाँ से भी हम लोग तोड़ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो भाई अब लग जाएगी शायद यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको मैं सोच रहा हूँ ना, इसका फेस ये क्या यार, ये तो ऊपर लग रही है, नीचे लगानी है भाई। ओ वेट, यहाँ पे लग रही है इस साइड। तो एक काम करते हैं यहाँ पे लगाते हैं इसको, और यहाँ पे जाते हैं हम लोग वॉल के अंदर, और यहाँ से गाइस इसको भी छत लगा के कवर कर देते हैं। यहाँ पे लगाते हैं हम लोग छत इसकी। ये देखो अब सही लग रही है थोड़ी। अब चलते हैं हम लोग बाहर और चल के ना थोड़ा चेक करते हैं ऊपर चढ़ के। ये देखो भाई अंदर से क्या ही दिख रहा है यार हमारा शोरूम। अभी तो भाई ये कुछ भी नहीं बना, अभी तो बस इसका बेसिक तैयार हुआ है। अभी भाई आप लोग देखते जाओ क्या क्या बनने वाला है। तो ये देखो यहाँ से हम लोग गाइस छत पे जाएंगे। सही है भाई। तो एक काम करते हैं हम लोग नीचे चलते हैं, और नीचे चल के ना लिफ्ट को भी देख लेते हैं कि वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही। तो ये देखो भाई ये हमारी लिफ्ट है, और यहाँ पे बटन लगा हुआ है, तो ऊपर जाके देखते हैं। ये देखो यहाँ पे सही जा रही है ऊपर। तो हम लोग नीचे कूदते हैं, यहाँ से ना हम लोग गाड़ियां ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो एक काम करते हैं फिलहाल के लिए लिफ्ट को हम लोग नीचे बुला लेते हैं, और चलते हैं हम लोग सीधा एडिट मोड के अंदर। और हम लोग यहाँ पे गाइस गेट लगा लेते हैं, क्योंकि गेट नहीं लगाया हम लोगों ने। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर, और हमें इस बोर्ड को ना यहाँ से हटाना होगा फिलहाल के लिए। तो एक काम करते हैं यार, इसको ना हम लोग हटा के गाइस साइड में रख लेते हैं। तो इसको हम लोग एक बार के लिए ना यहाँ पे रखते नीचे। तो गेट के अंदर जाते हैं और देखते हैं भाई कौन कौन से गेट है यहाँ पे। ये वाला गेट है, ये क्या यार, ये गेट तो काफी छोटा है। ये देखो ये तो यार मैंने फिर ज्यादा ही तोड़ दिया आगे से। बट यार ये काम कर सकते हैं हम लोग। वेट यार, ये वाला गेट ये भी भाई छोटा है। ये वाला गेट तो देखने में छोटा लग रहा है, और ये वाला गेट ये भी भाई छोटा ही है, और ये वाला ये भी छोटा ही है। तो एक काम करते हैं यार, ये भाई सिंपल सा गेट लगा लेते हैं यहाँ पे, इसको लगा देते हैं इस साइड, और एक ना हम लोग इस साइड लगा देते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे ना दो दो गेट लग चुके हैं। तो यार दोनों गेट खोल देंगे भाई, हम लोग भिखारी को भी काम पे रख लेंगे, बेचारा वो हमारी गाड़ियां अंदर बाहर कर देगा, और हम लोग भी कर लेंगे। तो दो गेट रहेंगे तो सही रहेगा। तो चलो भाई यहाँ से ना गेट लग चुका है, तो हम लोग जाके ना भाई खोल के देख लेते हैं पहले उसको। यहाँ पे हम लोग खोल के देखते हैं बाहर जाके थोड़ा सा, ताकि देखे सही कैसा लगने वाला है। ये देखो भाई सही है, यहाँ पे बीच में हम लोग बोर्ड टांग देंगे। तो चल के ना हम लोग ऊपर का फ्लोर बना लेते हैं, जाते हैं हम लोग सीधा एडिट मोड के अंदर। तो ये देखो यार यहाँ पे हमारा नीचे का पोर्शन बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो यार जो ऊपर का बनने वाला ना भाई, वही इसको अलग लुक देने वाला है। तो
ऊपर का भी फुल ट्रांसपेरेंट बनने वाला है। तो हम लोग जाते हैं सीधा विंडो के अंदर और यहाँ से ना थोड़ी अलग सी विंडो लेते हैं ताकि ऊपर का एरिया थोड़ा अलग सा लगे। तो एक काम करते हैं यार, यहाँ से ना हम लोग कवर करते हैं इसको। यहाँ पे लगाने वाला हूँ मैं, थोड़ी सी जगह छोड़ के देखते रहना भाई क्या बनने वाला है। यहाँ पे ना इसको मैं फुल कवर करने वाला हूँ इस साइड से। तो इसको ना यहाँ से घुमाने वाला हूँ, ये देखो इसको मैं घुमाऊंगा इस साइड और घुमा के ना इसको आपस में कर दूंगा कनेक्ट। ये देखो भाई इस साइड भी लगाता हूँ भाई, इसको मैंने कहाँ पे लगाया, वेट यहाँ से हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 में पे लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 तो इस पे लगाया हम लोगों ने। तो यहाँ पे भी हम लोग यही पे लगाते हैं ताकि भाई सामने से ना एकदम सेम लगे। तो यहाँ से हम लोग घुमा लेते हैं इसको सेम जितना हम लोगों ने उस साइड घुमाया है, और यहाँ से इसको भी घुमा लेते हैं और इसको कर देते हैं आपस में कनेक्ट। ये क्या यार इस साइड ना गलत लग गया, कोई बात नहीं इसको हम लोग दोबारा से लगा लेंगे। वेट यार साइड से ना मैं दूसरी वाली वो लगाने वाला हूँ, ये देखो यहाँ से ना इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, बैठा देता हूँ ये वाले लगाने वाला हूँ भाई मैं सेम नीचे वाली। तो यहाँ पे मैं चारों ओर से इसको कवर करने वाला हूँ, देखते रहना भाई क्या बनेगा अभी। तो एक काम करते हैं हम लोग ना जल्दी सो के आते हैं, हम लोग जाते हैं वापस और भाई चलते हैं अपने कंटेनर के अंदर और सो के ना फिर से आ जाते हैं यहाँ पे। शोरूम को हम लोग खुला रहने देते हैं। तो ये देखो भाई कुछ ऐसा लगने वाला हमारा शोरूम, बट अभी बना नहीं है यार, जब बन जाएगा ना तब देखना भाई। तो गाइस यार आज ना हम लोग अपने शोरूम को रात होने से पहले पहले बनाने वाले हैं, तो चलो यार जल्दी जल्दी बनाते हैं भाई। यहाँ पे हम लोग जाते हैं विंडो के अंदर, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं भाई अपनी वॉल और यहाँ पे जल्दी जल्दी हम लोग बना लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि भाई थोड़ा ऊंचा रहेगा ना तो देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं कवर आपस में। ये देखो भाई यहाँ पे क्या ही लुक आ रही है खतरनाक, अभी तो जब बन जाएगा ना यार तब तो वो और भी ज्यादा खतरनाक लुक आने वाली है। यहाँ से इसको करते हैं आपस में हम लोग कवर, यहाँ से इसको घेर देते हैं और यार यहाँ से ना मैं बॉक्स जैसा बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं ना पूरा बॉक्स जैसा बनाऊंगा, ये देखो यहाँ से ना इस साइड बॉल लगा लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं बॉल और इसको ना आपस में गाइस कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अबे यार फिर से भाई गलत लगी ये बॉल, कोई बात नहीं इसको हम लोग कर लेंगे डिलीट दोबारा से। यहाँ पे इसको करते हैं आपस में कनेक्ट। ये देखो भाई यहाँ पे ना ये बॉक्स वाली जो लुक है ना ये इसको अलग लुक देने वाली है एकदम। यहाँ पे इसको आपस में करते हैं कनेक्ट और कनेक्ट करते हुए लेके चलते सीधा ऊपर की ओर, यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं आपस में। एक काम करते हैं हम लोग फ्रंट की ओर चलते हैं और फ्रंट से ना यहाँ पे भी हम लोग लगा लेते हैं। वेट हम लोग जाते हैं सीधा विंडो के अंदर और फ्रंट भी भाई मैं यही लगाने वाला हूँ। तो चलो यहाँ पे भी हम लोग कवर कर देते हैं इसको आपस में पूरा लगा के। तो यहाँ पे गाइस हमारा ऊपर का वॉल लगाने का काम भी कंप्लीट हो चुका है, तो चलो यार जल्दी से हम लोग लेंटर डाल देते हैं इसके ऊपर, मतलब टाइलें लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं भाई टाइलें जल्दी जल्दी से यहाँ पे इस साइड। अबे यार कहाँ जा रहा है भाई, किस साइड टाइलें लग रही हैं, थोड़ा और ऊपर चलते हैं यार, शायद हम लोग भाई ज्यादा नीचे ना तभी लग रही साइड सही से। तो एक काम करते हैं हम लोग जल्दी लगाते हैं फिर से यहाँ पे इस साइड लगा लेते हैं। अबे यार ये क्या हो रहा है भाई, नीचे लग जा रही है बार बार। ओ यार ये देखना भाई नीचे लगी कहाँ, तो चलो कोई बात नहीं उड़ा देंगे उसको हम लोग बाद में। अबे यार ये क्या बन रहा है भाई, नीचे वाले को ना मैं डिलीट करने वाला हूँ बट उससे पहले ना ऊपर की लगा देता हूँ यहाँ पे। अबे भाई क्या हो रहा है ये, वेट अबे यार ये शुक्र है सही लगी है ये। तो एक काम करते हैं यार आराम से लगाते हैं भाई हम लोग एक एक करके, यहाँ पे लगाते हैं इस साइड इस साइड इस साइड, इसको कर देते हैं पूरा कवर आपस में। एक काम करते हैं यार पूरा कवर करते हैं ना इस साइड से, ये देखो यहाँ पे हम लोग इसको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस यार हमारा छत लगाने का काम भी कंप्लीट हो चुका है, तो भाई लेंटर पड़ गया हमारा, चलो सही है भाई नीचे चलते हैं हम लोग। वेट ये देखो भाई यहाँ पे क्या हुआ पड़ा है, तो एक काम करते हैं इसको हम लोग ना डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ये जो ये फालतू लगाना इसको हटा देते हैं, इसको हटाते हैं इस साइड से और इसको भी इसको भी इसको भी। ओ ओ भाई ये क्या हो गया, अबे यार यहाँ से गाड़ी नीचे गिर जाएगी, तो यार गलत भाई डिलीट कर दिया मैंने, कोई बात नहीं उसको हम लोग दोबारा से लगा लेंगे। इसको भी हटाते हैं यहाँ से बचा बचा के, इसको हटाते हैं भाई साइड से। ये देखो यहाँ पे ये सारी सारी टाइलें ना गलत लगी हुई हैं। तो यहाँ पे वेट यहाँ पे भी लगी नीचे, ये क्या यार एलिवेटर ऊपर कैसे आएगी भाई अगर यहाँ पे लग जाएगी। तो चलो भाई हम लोगों ने उसको भी डिलीट कर दिया, बट वेट यार यहाँ पे ना हम लोग अगर बालकनी में जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे। तो एक काम करते हैं यार यहाँ से ना हम लोग जगह बना लेते हैं जाने के लिए उस साइड, तो भाई यहाँ से हम लोग डिलीट करते हैं और इस साइड से भी सेम कर देते हैं डिलीट। और यहाँ से भी गाइस हम लोग एक गेट लगा लेंगे ताकि हम लोग इसके अंदर जा पाए, और यहाँ पे भी हम लोग गेट लगा लेते हैं ताकि गाइस हम लोग यहाँ से सीधा अपनी गाड़ी को अंदर ले जाके खड़ी कर सके, मतलब अंदर से बाहर भी खड़ी कर सकें और बाहर से अंदर भी। तो चलो सही है भाई यहाँ से भी हम लोग एक गेट बना लेते हैं ताकि हम लोग इस साइड से भी जा सकें। बट वेट यार यहाँ पे तो नीचे सीढ़ी है ना, गिर जाएगा शायद, नहीं यार नहीं गिरेगा, ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी जगह है। तो चलो भाई हमारा काम टोटल कंप्लीट हो चुका है, तो एक काम करते हैं यार हम लोग ना गेट लगाते हैं यहाँ पे ऊपर वाले एरिया में। यहाँ पे हम लोग जाते हैं गेट के अंदर और भाई ऊपर ना थोड़ा अलग सा गेट लगाने वाला हूँ, तो यार ये वाला गेट लगाता हूँ भाई ऊपर में, यहाँ पे इसको लगाते हैं इस साइड। ये देखो भाई ये सही लग रहा थोड़ा सा कुंडे वाला, तो यहाँ पे भी लगाता हूँ मैं और इस साइड भी लगा देता हूँ भाई। ये देखो यहाँ पे भी हम लोगों ने जगह बनाई है गेट के लिए और यहाँ पे भी लगाता हूँ। ये देखो भाई साहब क्या ही दिख रहा हमारा शोरूम खतरनाक एकदम। तो रुको यार अभी ना थोड़ा सही नहीं लग रहा, जो हम लोगों ने ये बॉक्स बनाया ना इसको थोड़ा सा और ऊपर करने वाला हूँ मैं ताकि भाई देखने में थोड़ा और अच्छा लगे। यहाँ से इसको बना लेते हैं हम लोग जल्दी से, यहाँ पे इसको बना के भाई करते हैं कम्प्लीट। ये देखो पूरा नहीं बनाने वाला मैं, बस थोड़ा सा बनाने वाला हूँ, बट वेट यहाँ पे ये ना गलत लगी हुई है, इसको हम लोग करते हैं डिलीट और जाते हैं फिर से भाई बॉल के अंदर। और यहाँ से गाइस ये देखो बॉल लगाते हैं इस साइड और बस मैं इतनी लगाने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। ये देखो भाई यहाँ से इसको कर लूँगा पूरा कवर, ये देखो यहाँ से, ताकि ये बस लुक के लिए भाई, इतना ऊपर तो यार मैं अभी आने नहीं वाला, बाद में धीरे धीरे बनाएंगे भाई अपने शोरूम को इतना ऊँचा, तो फिलहाल के लिए ये सिर्फ लुक देने के लिए है। तो चलो भाई यहाँ पे ये कवर हो चुका चारों ओर से और गाइस इसका भी हम लोग लेंटर डाल देते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम लोग लगाते हैं बहुत सारे टाइलें,
तो गाइस यार ये देखो मैंने यहाँ पे टाइल भी लगा दी और देखो भाई अब लग रही है असली लुक इसकी। तो एक काम करते हैं यार अब हम लोग ना साइड से इसको डेकोरेशन कर लेते हैं क्योंकि भाई बिना डेकोरेशन के ना एकदम बेकार लगने वाला है। ये देखो यहाँ से हम लोग लगाते हैं भाई लकड़ी वाली फिंस। तो जाते हैं भाई फेंसिंग को लगाते हैं हम लोग इस साइड, यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग इस साइड यहाँ पे इस साइड भी लगा लेते हैं इसको चारों ओर से भाई कवर कर लेते हैं ताकि देखने में ना मस्त लगे एकदम। तो यहाँ से भी गाइस हम लोग इसको कर लेते हैं कवर। ये देखो यहाँ से लगाने वाले हैं हम लोग इस साइड, मतलब सेम जैसे हम लोगों ने उस साइड लगाया ना गाइस वैसे ही सेम इस साइड भी लगाने वाले हैं। ये देखो भाई क्या ही लुक आ रही है इसकी, खतरनाक एकदम लग्जरी। तो एक काम करते हैं यार यहाँ से भी हम लोग इसको लगा लेते हैं ताकि भाई ऊपर से एकदम सेम हो जाए। तो इसको हम लोग लगाते हैं इस साइड और इसको ना लगा के मैं चारों ओर से भाई कवर करने वाला हूँ इसको। वेट अबे यार गलत क्यों लग रही है भाई बार बार। इसको हम लोग लगाते हैं इस साइड, यहाँ से हम लोग इसको घुमा के चारों ओर से कर लेते हैं कवर यहाँ पे। वेट यार ये क्या हुआ, यहाँ पे इसको घुमा के, अबे यार ये क्या हो रखा भाई, यहाँ से तो कोई भी ऊपर चढ़ जाएगा और चोरी कर लेगा भाई हमारे शोरूम के अंदर। तो रुको यार अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ थोड़ी देर में, पहले मैं यहाँ पे इसको लगा के कवर कर लूँ। तो यार पीछे से ना गाइस खुला रहने देता हूँ क्योंकि बाद में ना अगर मैं यहाँ से वॉल लगाऊंगा और लिफ्ट वगैरह लगाऊंगा सीढ़ी लगाऊंगा ऊपर आने के लिए तो यार ऊपर का भी बना के हम लोग कंप्लीट कर लेंगे किसी और एपिसोड के अंदर। तो यहाँ पे गाइस ये देखो यार हमारा शोरूम बन चुका है। बट वेट यार यहाँ से ना इसको हम लोग डिलीट करते हैं, पहले इसको डिलीट करते हैं और यहाँ से गाइस इसको डिलीट करते हैं। ये देखो फालतू का जो लगा हुआ है यहाँ पे इसको हटा लेते हैं। ये देखो भाई साहब चलो अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अपना शोरूम भाई कैसा दिख रहा है हमारा शोरूम। और यहाँ पे वेट यार बैनर तो हम लोगों ने लगाया नहीं, तो एक काम करते हैं यहाँ से हम लोग इसको उठाते हैं। अबे ये क्या हुआ, वेट यार ये क्या हो रहा है, इसको उठाना भाई उसको नहीं उठाना इसको, हाँ यहाँ से इसको उठाते हैं। और इसको उठा के ना हम लोग कहाँ पे लगाएं यार, इसको हम लोग अगर नीचे लगाएंगे तो यार सही लगेगा। तो एक काम करते हैं इसको ना हम लोग लगाते हैं एकदम बीच में, मतलब गेटों के बीच में लगाते हैं इसको, लगाते हैं हम लोग गाइस यहाँ पे एकदम बीच में। ये देखो भाई साहब क्या ही लग रहा भाई हमारा शोरूम, एक लाइक तो बनता भाई, जल्दी से एक लाइक कर दो यार। तो गाइस यार चलो चल के ना नीचे से आप लोगों को टूर देता हूँ। तो चलते हम लोग वापस और ये देखो भाई अबे यार रात होगी भाई, अभी रात होनी थी और यार रात को ना मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाने वाला। तो भाई जल्दी से मैं सो के आता हूँ और फिर दिखाता हूँ आप लोगों को दिन में, मतलब उजाले में दिखेगा तब पता लगेगा असली, रात को देखोगे तो भाई सही लगेगा, मतलब सही से दिखाई नहीं देगा। तो चलो भाई सो के आता हूँ जल्दी से मैं। तो यहाँ पे गाइस सुबह हो चुकी है, तो चलो चल के दिखाता हूँ भाई आप लोगों को मैं अपना शोरूम जो मैंने बनाया था भाई कल। तो ये देखो भाई साहब हमारा शोरूम एकदम खतरनाक वाला। तो ये देखो भाई मैंने 3 मंजिला बनाया ना, तो भाई दूर से भी चमकेगा हमारा शोरूम, मतलब दूर से भी दिखाई देगा। तो गाइस यार जो हमारी दोनों बालकनी है ना उसके अंदर एक एक गाड़ियां खड़ी होने वाली है, मतलब कोई स्पोर्ट्स गाड़ी खतरनाक सी। तो चलो गाइस चलते हैं सीधा अंदर। वेट यार ये क्या हो गया भाई, यहाँ से टाइल गायब होगी, तो कोई बात नहीं यार मैं लगा लूंगा इसको दोबारा से। तो चलो यार सीढ़ी से ना चलते हैं सीधा ऊपर और ऊपर चल के देखते हैं। ये देखो भाई हमारे पास ना यहाँ पे बहुत ज्यादा जगह है। वेट यार यहाँ पे ये क्या हो गया यार, इसको भी चलो मैं लगा लूंगा कोई बात नहीं। और यहाँ से गाइस ये देखो हम लोग गाड़ी चढ़ाएंगे सीधा ऊपर और यहाँ से ले जाके ना गाड़ी को इस साइड घुमा के गाइस यहाँ पे खोलेंगे हम लोग गेट और यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देंगे। तो सेम गाइस मैंने इस साइड बनाया, ये देखो यहाँ पे हम लोग सेम ऐसे जाएंगे इस साइड से घुमा के ना यहाँ पे लाइट खड़ी कर देंगे। तो भाई यहाँ पे हमारा शोरूम बन के हो चुका है तैयार। बट यार फिलहाल ना हम लोगों ने इसके अंदर सोफे वगैरह लगाए, तो चलो गाइस चल के ना सोफे वगैरह लगाते हैं, देखते हैं भाई डेकोरेशन आइटम में क्या कुछ है। तो चलते हैं गाइस हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर सीधा एडिट मोड के अंदर और यहाँ पे डेकोरेशन के अंदर क्या कुछ है यार, यहाँ पे सोफे काफी सारे, टेबल पड़ा है और यहाँ पे ये क्या यार कपबोर्ड्स है कुछ, और इस साइड भाई गमले वमले हैं और घोड़ा है। तो चलो गाइस इसको भी हम लोग कहीं पे लगा देते हैं, कहाँ पे लगा यार इसको, इसको मैं यहाँ पे लगा दूं क्या, इसको यहाँ पे लगाता हूँ भाई, यहाँ पे सही लगने वाला है एकदम ये। तो इसको मैं घुमा के ना इसका मुंह कर लेता हूँ आगे की ओर, वेट यहाँ पे आगे की ओर करता हूँ इसको और एक लगाता हूँ भाई इस वाले कॉर्नर में सेम जैसे वहां पे लगाया हमने, इसका मुंह भी कर लेता हूँ भाई सामने की ओर और यहाँ पे लगा देते हैं इसको। ये देखो भाई अब लग रही है ना लुक खतरनाक वाली। बट वेट यार यहाँ पे और कुछ देखते हैं हम लोग, और क्या कुछ है यार यहाँ पे डेकोरेशन के अंदर, बस इतना ही था। और यहाँ पे ये क्या पड़ा यार, ये शायद कोई बोर्ड वर्ड है जिसके ऊपर भाई प्राइस लिखा होगा। तो चलो सही है भाई ये भी, यहाँ पे ये स्पोर्ट क्या है यार, ओ वेट ये क्या भाई, ये चीज नहीं देखी मैंने। तो इसको हम लोग लगा के देखते हैं, वेट यार यहाँ पे ना इसको हम लोग लगाते हैं भाई नीचे, देखते हैं लगा के क्या चीज है ये। इसको हम लोग लगाते हैं यहाँ पे साइड में, यहाँ पे करते हैं प्लेस। तो वैसे है क्या यार ये, तो चलो देखते हैं भाई चल के हम लोग वापस। बट वेट यार ये क्या भाई, बाहर किसी ने कचरा फेंका हुआ है, चलो कोई बात नहीं यार उसको हम लोग बाद में उठा लेंगे। सेम भाई ऐसा ना GT5 के अंदर था जो मैंने वीडियो बनाई थी भाई कार चोरी करने की, तो अगर आप लोगों ने भाई मेरी GT5 की वीडियो नहीं देखी ना तो भाई देखना बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला आपको। उसके अंदर गाइस मैंने डीलरशिप से ना लग्जरी गाड़ियां चोरी की थी। तो चलो भाई यहाँ से हम लोग कचरे को उठा के फेंकते हैं सीधा डस्टबिन के अंदर। बट वेट यार इसको तो मैं बाद में फेंक लूंगा, तो एक काम करता हूँ यार मैं अपनी ODRR लेके आता हूँ और उसके ऊपर खड़ी करके देखता हूँ और देखते हैं भाई हमारी गाड़ियां अंदर घुस तो पाएंगी। मेरे हिसाब से यार गेट ना काफी छोटा है, तो चलो ट्राई करके देखते हैं भाई अंदर घुसा के, यहाँ पे इसको कर लेते हैं भाई सीधा, मुझे लग रहा भाई ये अंदर जा पाएगी। वेट यार ओ यार चलेगी भाई ये तो आराम से, तो चलो सही है यार शायद मेरे हिसाब से ना ये गेट काफी है। तो इसको हम लोग खड़ा करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से इसका इंजन करते हैं ऑफ और निकलते हैं बाहर। ये गाड़ी तो यार चारों ओर से भाई रोटेट कर रही है, मतलब इसको जब कस्टमर खरीदने आएंगे ना तो इसको भाई देख लेंगे, मतलब खड़े होके उनको चारों ओर घूम के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो सही है भाई ये वाली चीज भी। तो एक काम करता हूँ यार ये वाली चीज ना मैं ऊपर भी लगा देता हूँ भाई, वेट ऊपर जाता हूँ इसके और यहाँ पे एकदम बीच में लगाने वाले हैं हम लोग ये यहाँ पे।
ये देखो भाई लिफ्ट से ऊपर सीधा गाड़ी लेके जाएंगे और यहाँ पे ना बीच में खड़ी कर देंगे। और इस वाली गाड़ी को भाई हम लोग बेचेंगे नहीं, मतलब शो ऑफ के लिए रखेंगे ओनली। तो चलो सही है भाई। और यहाँ पे हम लोग जाते हैं डेकोरेशन के अंदर, और यहाँ पे हम लोग भाई सोफे ओफे लगा देते हैं एक दो। तो यार मेरे हिसाब से ना नीचे लगाते हैं भाई सोफे। वेट यार, ये जो टेबल पड़ा ना भाई, ये मैंने गलत लगाया हुआ है, इसको ना मैं साइड में लगाने वाला हूँ। तो एक काम करता हूँ यार, सोफे ना मैं इस साइड लगाता हूँ, इस साइड यहाँ पे, और यहाँ पे और भी सोफे हैं यार। तो इस वाले सोफे को भी लगा लेता हूँ। वेट कैसे लगाऊं भाई इसको? ये क्या भाई, फिर से गेम स्टक होगी, शायद सेव हो रही है गेम। भाई जितनी मर्जी स्टक हो जाए बट यार क्रैश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्रैश हो जाएगी ना तो भाई ये सारा का सारा शोरूम गैप हो जाएगा, जो कि भाई हम लोगों ने इतनी मेहनत से बनाया है। तो एक काम करते हैं भाई, सोफा निकालते हैं फिर से जल्दी से, इस साइड करके लगाते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग एक सोफा। ये देखो भाई सही लग रहा है। एक काम करते हैं यार, इसको एक और लगाते हैं भाई यहाँ पे इसके साथ में चिपका के, ताकि भाई देखने में थोड़ा ठीक लगे। ये देखो यहाँ पे इस साइड इसको भी हम लोग लगाते हैं भाई चिपका के, ताकि दो लगा हुआ सही लगे इस साइड। वेट, इसको हम लोग चिपका लेते हैं आपस में। ये देखो भाई, और यहाँ पे एक और लगा लेता हूँ भाई मैं, ताकि इस साइड ना थोड़ा लंबा बन जाए। 7 सीटर सोफा बन रहा भाई हमारा। 7 सीटर नहीं भाई, कितने सीटर बन गया? 7 सीटर बन गया शायद, 5 सीटर बन गया। तो चलो सही है। यहाँ पे हम लोग लगाते हैं भाई इसके बीच में टेबल। ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया टेबल, तो सही है भाई, यहाँ पे हमारा बैठने का एरिया हो गया। बट यार मुझे लग रहा भाई मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए था, क्योंकि यार इस साइड ना हम लोगों को गाड़ियाँ खड़ी करनी चाहिए सामने की ओर। तो चलो कोई बात नहीं यार, वेट मैं यहाँ से ना इसको भाई मूव करता हूँ पहले, तो उठा के इसको मैं करता हूँ यहाँ पे। चलो चलते हम लोग वापस, और चल के ना एक बार बाहर से देखते हैं फिर से यहाँ पे ये कचरा क्या कर रहा बार बार यार। वेट, इसको उठा के फेंकते हैं डस्टबिन के अंदर। अब देखो भाई हमारा शोरूम, एक काम करते हैं यहाँ से हम लोग गेट करते हैं बंद, यहाँ से गेट बंद कर देते हैं ऑफिस का, और चल के ना अब हम लोग देखते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे हमारा शोरूम कितना खतरनाक लग रहा है भाई, हाउस ऑफ कार्स, मतलब कि गाइस सही में लग रहा है ये कारों का घर। तो चलो भाई यहाँ पे हमारा शोरूम बन के हो चुका है तैयार। तो एक काम करते हैं यार, जो हमारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी है ना उनको हम लोग ले जाके गाइस जल्दी से अंदर खड़ी कर देते हैं। तो हमारी भाई फरारी को भी हम लोग अंदर खड़ा करते हैं ले जाके सीधा। और भाई लंबोर्गिनी के ऊपर ना मैं भाई का नाम लिखवाने वाला हूँ। तो वेट, यहाँ पे पहले इसको घुसाता हूँ अंदर, यहाँ पे गेट खोलते हैं हम लोग चल के पहले, और इसको खुला ही रहने देते हैं हम लोग फिलहाल के लिए। और यहाँ पे हम लोग घुसाते हैं गाइस इसको अंदर। तो यार लैम्बो को मैं खड़ा करने वाला हूँ यहाँ पे सामने, ताकि भाई लैम्बो भी दिखाई दे हमारी, सॉरी लैम्बो नहीं फरारी दिखाई दे हमारी। तो इसको खड़ी करते हैं हम लोग इस साइड। भाई मैं पता नहीं क्यों फरारी को लैम्बो ही बोलता हूँ। तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने इसको खड़ा कर दिया। बट वेट यार, यहाँ पे ये गाड़ियां ना काली हो रखी हैं, तो इसको हम लोग बाद में वॉश करेंगे। तो गाइस यार हमारी ना लैम्बो रहेगी बाहर, उसको भी ले आते हैं अंदर। बट उससे पहले ना मैं इसके भाई का नाम लिखवाने वाला हूँ, क्योंकि भाई ने कमेंट किया हुआ था। तो एक काम करते हैं, इसको लेके चलते हैं हम लोग सीधा ट्यूनिंग के अंदर। तो गाइस यार अगर आप लोगों को भी अपना नाम लिखवाना हो नंबर प्लेट पे, तो भाई आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना नाम डाल देना, मैं ना नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर भाई स्पोर्ट्स गाड़ियों में आपका नाम भी लिख दूंगा। क्योंकि भाई नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर ना हम लोग जाने वाले हैं और बहुत सारी स्पोर्ट्स गाड़ियां खरीदने वाले हैं, और अपने शोरूम में ना गाइस बहुत सारी स्पोर्ट्स गाड़ियां लेके भरने वाले हैं, और हमारे पास पैसे भी बहुत ज्यादा है। तो भाई हम लोग ना सिंगल सिंगल स्पोर्ट्स गाड़ी खरीदने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं सीधा भाई नंबर प्लेट पे, और यहाँ पे हम लोग चूज करते हैं भाई कैलिफोर्निया की नंबर प्लेट, क्योंकि भाई ये वाली नंबर प्लेट ना मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे हम लोग भाई का नाम लिखते हैं MANZAR, मंजर, यही नाम था ना भाई आपका। यहाँ पे इसको करते हैं अपग्रेड। तो गाइस यार ये देखो कुछ ऐसी डीलरशिप बनी है हमारी, आई होप कि गाइस आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे ना बहुत सारी गेमिंग वीडियोस आने वाले डेली। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, गुड बाय।